हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर फोर क्लास थर्ड। तो हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि यूजफुल इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट क्या होते हैं। अब हम जानेंगे अदर टाइनी एनिमल्स, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स। देर आर मैनी अदर टाइनी एनिमल विच आर नॉट इंसेक्ट। तो बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट नहीं होते। लेट्स नो मोर अबाउट दैम। तो चलो उनके बारे में और अधिक जानकारी लें। स्पाइडर्स आर नाइदर इंसेक्ट नॉर बॉम्ब्स। तो जो मकड़ी होती है ना तो वो इंसेक्ट है ना ही बॉम्ब। बॉम्ब्स क्या होते हैं? इस तरीके के रेंगने वाले कीड़ों को बॉम्ब्स बोला जाता है। इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स बट स्पाइडर हैव एट लेग्स। कीट के छः पैर होते हैं जबकि स्पाइडर के आठ होते हैं। दे स्पिन वेव यूजिंग ए लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाई देयर बॉडी। वे जाल बनाते हैं जो उनके शरीर से क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, उससे वह एक जाल बनाते हैं। दे ईट द इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड इन देयर वेव्स। वे उन कीटों को खाते हैं जो उनके जाल में फंस जाते हैं। बॉम्ब्स आर लॉन्ग क्रीचर विद ट्यूब लाइक बॉडीज एंड नो बोन्स। बॉम्ब्स क्या होते हैं? लंबे जीव होते हैं जिनकी ट्यूब लाइक बॉडी होती है, एक ट्यूब की तरह होती है और हड्डियाँ नहीं होती हैं। दे हैव ए फ्लैट हेड एंड सेगमेंटेड बॉडी विच हेल्प देम टू मूवमेंट। उनका चपटा और सेगमेंटेड शरीर होता है, यानी कई सारे क्या बने होते हैं, सेगमेंट पार्ट बने होते हैं। जैसे इसमें आपको देख रहे हैं कई सारे अलग अलग पार्ट देख रहे हैं, तो एक एक पार्ट को एक सेगमेंट बोला जाता है। तो उनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, जो उन्हें चलने में हेल्प करती है। दे कैन नॉट फ्लाई बट क्रीप क्राउल और ब्रिगल। वे उड़ नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं? रेंग सकते हैं, रेंग के चल सकते हैं। अर्थ बॉम्ब सेंटीपीड एंड मेलीपीड्स आर कॉमन बॉम्ब्स। तो केचुए हैं, कन खजूरें हैं, ये क्या होते हैं? कॉमन बॉम्ब्स होते हैं। और ये आपको दिख रही है ना कांतर, ये सभी क्या होते हैं? मिलीपीड्स जिन्हें बोलते हैं, ये क्या होते हैं? बॉम्ब्स होते हैं। सेंटीपीड हैव 15 to 200 लेग्स। सेंटीपीड यानी कांतर जो होती है उसके क्या होते हैं? 15 to 200 पैर हो सकते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। और वो अपना भोजन किससे लेते हैं? मरे हुए और जो सड़े गले प्लांट के पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन वो लेते हैं। फिर यहाँ पे आपकी डिफाइन है जो आप अपनी नोटबुक पे, फेयर नोटबुक पे करेंगे। सलाइवा टर्माइट्स बॉम्ब एंड ब्रिगल। सलाइवा क्या होता है? जो लार होती है यानी बाटर लिक्विड इन द माउथ दैट हेल्प फॉर च्यूइंग एंड स्वेलिंग। तो वाटर लिक्विड पार्ट जो होता है हमारे मुंह में पाया जाता है जो चबाने में और निगलने में हेल्प करता है, यानी लार को कहते हैं। टर्माइट्स क्या होती है? इंसेक्ट डेट ईट फूड, यानी दीमक जो होती हैं, ऐसे इंसेक्ट जो लकड़ी खाते हैं। बॉम्ब्स स्मॉल एनिमल विद सॉफ्ट बॉडी विदाउट आर्म्स लेग्स और बोन्स। छोटे एनिमल जो क्या होते हैं? इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, आर्म्स होते नहीं हैं, ना लेग्स होते हैं, ना ही हड्डियाँ होती हैं। ब्रिगल माने क्या होता है? ट्विस्ट एंड टर्न, यानी वो ट्विस्ट और टर्न करके अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ब्रिगल। टेक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। दिस इंसेक्ट कॉसेस मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्कीटो की वजह से। इट इज़ अ सोशल इंसेक्ट। कौन है? हनी बी, क्योंकि ये ग्रुप में रहती है। इट इज़ नॉट ए बॉम्ब, ये बॉम्ब नहीं है। कौन है? स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। दो एग्जाम्पल देने बॉम्ब के। यूजफुल इंसेक्ट डिसीज कॉज्ड बाई मॉस्कीटो, डिसीज कॉज्ड बाई ईटिंग फूड इन्फेक्टेड बाई फ्लाइज। तो आपके टू एग्जाम्पल ये आप अपनी बुक में सब फिल कर लेंगे। फिलअप देखते हैं। इंसेक्ट हैव टू फिलर्स कॉल्ड। इंसेक्ट के दो फिलर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीनी। इंसेक्ट हैव सॉफ्ट बॉडी विदाउट इंसेक्ट के क्या नहीं होते? बोन्स। दे हैव लेग्स, कितने होते हैं इंसेक्ट के? सिक्स। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मॉस्कीटो डू नॉट ईट, ये खाना नहीं खाते हैं। क्या करते हैं? ये सक करते हैं यानी चूसते हैं खाने को। दे कैन ओनली सक, ये केवल चूस सकते हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच बॉस पैन हाउस फ्लाई कैन फ्लाई, ये क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। कॉकरोच बॉस पैन हाउस फ्लाई एंड क्राउल बोथ, और ये रेंग भी सकते हैं यानी ये दोनों काम कर सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी नोटबुक पे जाएंगे, ये क्वेश्चन आंसर, और डिफाइन आप अपनी फेयर नोटबुक पे करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी फेयर नोटबुक पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ पिक्चर्स दिए हैं जिनको आपको अपनी बुक में फिल करना है। जैसे क्या है? ग्रास होपर, हनी बी, आंट एंड हाउस फ्लाई। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे।